भीषण गर्मी में पूरे राज्य में सरकार बिजली तो नहीं दे पा रही है, लेकिन बिजली का झटका जरूर इस राज्य की जनता को देने के लिए तैयार हो गई, और वो भी 98%। तो कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते आज हम लोगों ने झारखंड के सभी 4,500 ब्लॉक में आज हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, और हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं, जिस प्रकार से यहाँ जनउपयोगी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सुनियोजित तरीके से राज्य सरकार के द्वारा लूट का जो तंत्र चलाया जा रहा है, या जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, दुष्कर्म के जितने मामले बढ़े हैं, या SC और ST पर जितना अत्याचार बढ़ा है भाजपा सरकार में, इन सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम में आज पूरे राज्य में सभी जगह हमारा संघर्ष जारी है। ऐसा नहीं है कांग्रेस लगातार इन विषयों को उठाते रही है, लेकिन राज्य की सरकार जो है वो पूरी तरह से मौन बैठी हुई है। ये नहीं है कि चुनाव को देख करके, चुनाव में जागने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं जो भ्रम का वातावरण फैला करके नगर निकाय के चुनाव के बाद राज्य की जनता को इतना बड़ा झटका उन्होंने दे दिया। हमारी तो मांग शुरू से जनता के पक्ष में रही है, और जनता के हितों को लेकर के हम कांग्रेस पार्टी के लोग संघर्ष के मैदान में उतरे हुए हैं, और हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। चाहे जिस प्रकार से भी सरकार मानेगी, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरह विरोध के जो भी तरीके होते हैं उन तरीकों को अपना करके हम लोग इसका विरोध करेंगे। बात बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग पूरे प्रदेश में इस तरह से इनका अत्याचार चल रहा है, अन्याय चल रहा है, जुर्म चल रहा है जनता के पीछे। एक तो बिजली देने पा रहे हैं, और दूसरे जब दे नहीं पा रहे हैं और उसका बिजली का बिल कितना ही ले रहे हैं, इसको आप देखिए कैसे कैसे यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के हर तबके के लोगों को जिस तरह से बिजली विभाग की प्रताड़ना हो रही है। आज तबाह हैं लोग, आप देखिए आपके चेहरे पर भी पसीने हैं, सब कुछ सर, हम लोग खुद परेशान हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की ऐसी पार्टी है, जागरूक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, ये कभी इस तरह का न्याय बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और इसके लिए चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी करेगी। इसी के लिए हम लोग जितने भी प्रदेश के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं सारे लोग आज बिगुल फूंक दिया है, और हर जगह इस तरह का काम कर रहा है। चास जिले का जो बोकारो जिले का जो स्थिति है, हम लोग जो पावर अप्लाई कर रहे हैं अभी यहाँ पे, हम लोग अभी रिक्वायरमेंट यहाँ का है 55 मेगावाट का, है ना। DVC जो 2 सर्किट अभी यहाँ पर आ रहा है, जिससे मैक्सिमम हम लोग 40 मेगावाट पावर ले सकते हैं, जिसके कारण 15 मेगावाट का शॉर्टेज चल रहा है ना। इसी कारण डिफरेंट जगहों पर शेड्यूल सेटिंग करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए हम लोग काम किया जा रहा है, खुदेदी सब स्टेशन का काम बहुत प्रगति पर, 80% काम कम्प्लीट हो चुका है, हम लोग जून तक उसको जो है मतलब पूरे जिले को पावर देने की स्थिति में हो जाएंगे। नहीं नहीं, हाथ उठाने की बात नहीं है, मतलब पावर हम लोग दे रहे हैं। असल में गर्मी के कारण डिमांड 1.5 गुना बढ़ चुका है, पहले 40 में मेरा काम चल जा रहा था, है ना, अभी 55 मेगावाट डिमांड 60 मेगावाट डिमांड हो गया है, इसके कारण थोड़ा पावर का शॉर्टेज है, और 2-3 महीने के अंदर सारा सिचुएशन कंट्रोल में होगा। चास में बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है, अभी हम लोग बहुत सारा काम करा रहे हैं, 18 सबस्टेशन प्रपोज है, सब में काम लगा हुआ है ना। कंडक्टर जहाँ जहाँ खराब है उसको बदला जा रहा है, नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, है ना। सबस्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, यहाँ चाप में 2 सर्किट और नया लाने का काम मतलब चल रहा है। खुदनीडी वाला काम तो 90% कम्प्लीट हो चुका है, हम लोग जून में उसको चालू करने जा रहे हैं, है ना, जिसके कारण यहाँ पर तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।